फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अमेरिका में सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और वही सोयाबीन के साथ साथ मक्का और गेहूं की कीमतों में भी तेजी लगातार बरकरार है। अमेरिका में सोयाबीन की सप्लाई काफ़ी कम बताई जा रही है और निर्यात में भी गिरावट देखी गई है। बात करें अगर अर्जेंटीना और ब्राज़ील की, तो वहाँ पर मौसम सोयाबीन के प्रतिकूल है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील में सूखे के हालात देखने को मिल रहे हैं, वहीं वहाँ मौसम विशेषज्ञ के अनुसार अभी और सूखा देखने को मिल सकता है, जिसका असर सोयाबीन और मक्के की फसल पर बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अर्जेंटीना में इस बार बारिश ना के बराबर बताई जा रही है, जिससे सूखे की स्थिति और ज़्यादा पैदा हो सकती है। सूखे की स्थिति से अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों जगह सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जानकारों द्वारा जताई गई है। आपको बता दें कि पिछले साल ब्राज़ील में लगभग 137.3 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। वहीं जानकारों के अनुसार 2021-22 में ब्राज़ील का सोयाबीन का उत्पादन लगाए हुए अनुमान से काफ़ी कम रह सकता है। जानकारों को 2021-22 में ब्राज़ील का सोयाबीन का उत्पादन 144.7 मिलियन टन रहने की उम्मीद थी, लेकिन सूखे के चलते इस बार उत्पादन घटकर लगभग 133.4 मिलियन टन रह सकता है। विदेशों में सोयाबीन की सप्लाई अगर डिमांड के मुकाबले कम रहती है तो कीमतों में तेजी आएगी और इसका असर भारत में भी सोयाबीन समेत अन्य खाद्य तेल के बाजार पर देखने को मिल सकता है। दरअसल भारत खाद्य तेलों में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बना है। भारत अपनी खाद्य तेलों की ज़रूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए अगर विदेशों में खाद्य तेलों या फिर तिलहन में तेजी बनती है तो उसका असर भारत में भी तेजी के तौर पर देखने को मिलता है। चाहे वायदा बाजार हो या फिर हाजिर बाजार, अगर विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी रही तो दोनों बाजारों पर इसका असर जरूर दिखेगा। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का सोयाबीन पर कहना है कि 2021 में सोयाबीन में काफी उठापटक देखने को मिली है, जो कि नीचे में 5000 तक भी जाती नजर आई थी और ऊपर में कीमतें 10000 से भी अधिक गई थी। 2021 में सोयाबीन पर सरकार के काफ़ी फैसले भी देखे गए, जिसका प्रभाव हमने सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ते देखा था। 2021 के अंत में सोयाबीन ने NCDEX पर 6200 के करीब की क्लोजिंग दी थी। अमित सजेजा के मुताबिक साल 2022 सोयाबीन के लिए शुरुआत में थोड़ा खराब रह सकता है। उन्हें वायदा में सोयाबीन की कीमतें 4500 से 5000 से ज़्यादा नीचे जाती नहीं दिखाई देती हैं। सोयाबीन की कीमतों के लिए 4500 से 5000 तक का दायरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अमित सजेजा का ये भी मानना है कि सोयाबीन में अगर गिरावट रहेगी तो तेजी भी ज़रूर बनेगी। अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन 2022 की शुरुआत के पहले 6 महीनों में वायदा बाजार में 8000 तक की स्तर दिखा सकती है और अगर बात करें अगर पूरे एक साल के आउटलुक की, तो उनके मुताबिक सोयाबीन 2022 में पूरे साल में 10000 तक की स्तर दिखा सकती है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।